एज यू नो दैट वी आर डिस्कसिंग रैशनलाइजेशन। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि किस तरह से हम रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, और मैंने आपको बताया था कि लिमिट्स में हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों चीजों को हम रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। तो यहां पर क्या है कि हमारे पास जो क्वेश्चन अभी है वो है लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स डिवाइड बाई दिस। अगर हम x की वैल्यू जीरो देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जीरो डिवाइड बाई जीरो, यानी हमारे पास फिर से ये कंडीशन बन गई कि एंटी हो गया, यानी कि नॉट डिफाइनेड हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका एक्सप्रेशन नॉट डिफाइनेड होता है तो हमारी कोशिश रहती है कि वो जो टर्म जिससे ये नॉट डिफाइनेड होता है वो कैंसिल हो जाए किसी भी तरीके से। तो उसी चीज के लिए हम यहां पर रैशनलाइजेशन करेंगे। ऑन रैशनलाइजेशन, ऑन रैशनलाइजेशन, इस टाइम हम डिनोमिनेटर की रैशनलाइजेशन करेंगे। लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय, अब देखो ये 9 प्लस एक्स एज इट इज आएगा, ये 9 प्लस एक्स लिख में एथाई कनान यथ कनी या तशिया, अब ये 9 माइनस एक्स में एज सच ही लिखूंगा 9 माइनस एक्स, लेकिन ये जो माइनस का है साइन है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसी चीज को मैं डिनोमिनेटर में लिखूंगा 9 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स। अब देख लो फर्दर हमारे पास जो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स मल्टीप्लाई बाई दिस, एक्स थो नबर कन एक्स हेकन बहुत मल्टीप्लाई दी अलग यह अलग मल्टीप्लाई दिख, मगर बह क्या एक्स थान बहुत सिर्फ नबर कन क्या मे पता एक्स गए कुन न टर्म सैंसल, एक्स मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स, ठीक है। अब नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास ए माइनस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये होगा हमारे पास फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 9 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 9 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो ये ए हो गया ये बी, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फर्दर इसको आप सॉल्व करो, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स तो बाहर ही रहेगा और ये सारा एक्सप्रेशन इसी तरह से रहेगा 9 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स होल डिवाइड बाय, ये स्क्वायर इस रूट के साथ कैंसल, ये स्क्वायर इस रूट के साथ कैंसल, आप देखो ये स्क्वायर रूट के साथ ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसल, तो यहां पर बचा 9 प्लस एक्स 9 प्लस एक्स, तो यहां पर बचा 9 माइनस एक्स, लेकिन ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये बचेगा ये आएगा हमारे पास माइनस 9, तो ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये होगा प्लस एक्स, ठीक है। अब देखो माइनस 9 प्लस 9 से कैंसल आउट हो गया, तो ये हो गया एक्स प्लस एक्स कितना होगा 2x। अब फर्दर हमारे पास आ गया ये लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स टाइम्स अंडर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स होल डिवाइड बाय, एक्स प्लस एक्स कितना हुआ 2x। अब देखो ये एक्स इसके साथ कैंसिल, ये एक्स इसके साथ कैंसिल। अब आप क्या कर सकते हो टेकिंग लिमिट्स, टेकिंग लिमिट्स, अब आप लिमिट्स दे सकते हो टेकिंग लिमिट्स। अब क्यों दे सकते हो लिमिट, क्योंकि जो जीरो बनाने वाला टर्म था न्यूमरेटर में या जो डिनोमिनेटर में हमारे पास ये था 9 प्लस एक्स माइनस 9 माइनस एक्स, वो तो कैंसल आउट हो गया, अब हम लिमिट्स दे सकते हैं, तो इसलिए अब हम लिमिट्स देंगे टेकिंग लिमिट्स। तो जहां जहां एक्स है वहां पर जीरो देंगे हम वैल्यू, अंडर रूट ऑफ 9 प्लस जीरो प्लस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस जीरो होल डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ये क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 9 प्लस अंडर रूट ऑफ 9, तो क्या होगा वो अंडर रूट ऑफ 9 प्लस अंडर रूट ऑफ 9 अख अंडर रूट 9 प्लस अख अंडर रूट 9 सो कोता गो 2 अंडर रूट 9 होल डिवाइड बाई
टू, ठीक है। अब ये टू इसके साथ कैंसल और अंडर रूट नाइन की वैल्यू क्या है हमारे पास, थ्री, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें अगला क्वेश्चन जो होगा हमारे पास इस तरह से, लिमिट ऑफ, तो आप देख सकते हो कि यहां पर हमारे पास जो क्वेश्चन है अब वो है लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू फोर थ्री माइनस अंडर रूट ऑफ फाइव प्लस एक्स वन माइनस अंडर रूट ऑफ फाइव माइनस एक्स। यानी अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम यह है कि दोनों जगह स्क्वायर रूट है, ऊपर भी स्क्वायर रूट है नीचे भी स्क्वायर रूट है। यानी मैंने आपको पहले ही बताया था कि लिमिट्स में आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखो दो तरीके यहां पर रैशनलाइजेशन करने के, या तो पहले आप न्यूमरेटर को रैशनलाइजेशन करो, ठीक है, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर को रैशनलाइजेशन करो, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम एक साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को रैशनलाइजेशन करेंगे, क्योंकि अगर आप अलग अलग करोगे तो वो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा और हेक्टिक कंबरसम प्रोसेस रहेगा आप लोगों के लिए। इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसको एक साथ ही रैशनलाइजेशन करेंगे। जैसे कि आपके पास यहां पर है लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू फोर थ्री माइनस, यानी कि अगर मैं एक्स की वैल्यू फोर दूंगा, फाइव प्लस फोर कितना हुआ नाइन, अंडर रूट ऑफ नाइन क्या हो गया थ्री, थ्री माइनस थ्री जीरो, इसी तरह से यहां पर भी वन माइनस वन जीरो आएगा, तो यानी ये जीरो बाई जीरो नॉट डिफाइनड हो गया। जब ये नॉट डिफाइनड होता है तब आपको रैशनलाइजेशन करना होता है, आपको वो एक्स वाला टर्म जिससे ये जीरो बन जाता है वो कैंसल आउट करना होता है। तो यहां पर हम ऊपर और नीचे हेरते तो बोनते दुशीन ज्वाइन करो ऐसा, न्यूमरेटर थे तो डिनोमिनेटर दोनों को हम क्या करेंगे रैशनलाइजेशन, ऑन रैशनलाइजेशन, ऑन रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर ओब्लिक न्यूमरेटर, यानी इस करो एक एक दुश्वयम रैशनलाइजेशन, लिमिट ऑफ एक्सटेंड्स टू फोर, लिमिट ऑफ एक्सटेंड्स टू फोर, देखो आपको मैं तरीका दिखाता हूं, थ्री माइनस अंडर रूट ऑफ फाइव प्लस एक्स, मैंने एज सच लिखा, होल डिवाइड बाय वन माइनस अंडर रूट ऑफ फाइव माइनस एक्स। देखो सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, मैं न्यूमरेटर को रैशनलाइजेशन करूंगा। जब मैं न्यूमरेटर को रैशनलाइजेशन करूंगा तो मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा ना, इससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं ऊपर, तो ये आएगा मेरे पास थ्री, माइनस की जगह क्या आएगा प्लस फाइव अंडर रूट ऑफ फाइव प्लस एक्स, एज सच अंडर रूट ऑफ फाइव प्लस एक्स, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बाद मैं एक काम करूंगा डिवाइड बाई, देखो रूल के हिसाब से मुझे थ्री प्लस अंडर रूट ऑफ फाइव प्लस एक्स ही डिवाइड भी करना है एज पर द रूल, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं पहले डिनोमिनेटर को रैशनलाइजेशन करूंगा, क्योंकि ये थ्री प्लस फाइव ये यहां पर लिखूंगा मैं थ्री प्लस अंडर रूट ऑफ फाइव प्लस एक्स, ठीक है। आपको मैं ये समझा रहा हूं, जब मुझे इसको रैशनलाइजेशन करना है थ्री माइनस अंडर रूट ऑफ फाइव प्लस एक्स होल डिवाइड बाई वन माइनस अंडर रूट ऑफ फाइव माइनस एक्स, मैं क्या करूंगा, मैंने इसको रैशनलाइजेशन किया न्यूमरेटर को पहले, कैज की एज पर द रूल इस क्या करा, ये थ्री को थ्री माइनस को प्लस अंडर रूट ऑफ फाइव प्लस एक्स, ये कर मैं हेर मल्टीप्लाई, यही चीज कर बन मल्टीप्लाई, छा ठीक। वन क्या कर मैं काम, ये लिख मैं थोड़ा अलग अलग, मगर ना आखिरकार ना ये डिवाइड, दैट मीन्स इस हेको इत कन लिखित वो क्या कर बम। अब ये वन माइनस अंडर रूट ऑफ फाइव माइनस एक्स डिनोमिनेटर को मैं रैशनलाइजेशन करूंगा, वो मैं करूंगा इससे वन, लिखा मैं वन माइनस से जाए क्या लिखन बह प्लस अंडर रूट ऑफ फाइव माइनस एक्स। अब यही चीज मैं ऊपर भी लिखूंगा वन प्लस अंडर रूट ऑफ फाइव माइनस एक्स, ठीक है, आ गया समझिए आप, क्योंकि मैंने एक साथ किया ना रैशनलाइजेशन, तो तभी मैंने इस तरह से किया, अगर आप अलग अलग करते तो उसमें आपको टाइम लग जाता। अब मैं क्या करूंगा, इस चीज को सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब मैंने इसमें ब्रैकेट लगा दिया, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू फोर ए माइनस बी ए प्लस बी, आप देख सकते हो ए माइनस बी ए प्लस बी,
तो ये मेरे पास आएगा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, ए मेरे पास थ्री है, तो ए स्क्वायर हो गया थ्री स्क्वायर, वो हो गया नाइन, माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर यानी फाइव प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो वो आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट ऑफ फाइव प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे भी देख लो, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो वो फिर से आ जाएगा मेरे पास वन स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ फाइव माइनस एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, अब ये चीज भी इसको मल्टीपल में है, वन प्लस अंडर रूट ऑफ फाइव माइनस एक्स होल डिवाइड बाय थ्री प्लस अंडर रूट ऑफ फाइव प्लस एक्स। ठीक है यहां तक। अब देखो आगे, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू फोर, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू फोर, आप देख सकते हो नाइन तो नाइन ही रहेगा, माइनस ये स्क्वायर और रूट कैंसल हो जाएंगे, तो यहां पर बचा माइनस फाइव, क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस फाइव बन जाएगा ये, और माइनस एक्स क्योंकि ये प्लस एक्स है तो जब माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस बनेगा, होल डिवाइड बाय वन स्क्वायर तो वन ही हो जाएगा, माइनस फाइव क्योंकि यहां पर भी स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस फाइव माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स, प्लस एक्स, तो ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, और बाहर क्या है, वन प्लस अंडर रूट ऑफ फाइव माइनस एक्स होल डिवाइड बाय थ्री प्लस अंडर रूट ऑफ फाइव प्लस एक्स। तो ये चीज तो आप समझ सकते हो। अब इसके बाद, इसके बाद आप लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू फोर, नाइन माइनस फाइव कितना हुआ फोर माइनस एक्स, आप देख सकते हो यहां पर आएगा वन माइनस फाइव यानी माइनस फोर, माइनस फोर प्लस एक्स, माइनस फोर प्लस एक्स, तो वन प्लस अंडर रूट ऑफ फाइव माइनस एक्स होल डिवाइड बाय थ्री प्लस अंडर रूट ऑफ फाइव प्लस एक्स। इतना क्लियर है, आप देख सकते हो आप यहां पर ऊपर फोर माइनस एक्स है, अगर नीचे भी होता फोर माइनस एक्स तो ये आपस में कैंसिल होता। तो अब हम क्या काम करेंगे, हम यहां से माइनस कॉमन लेंगे, कहां से, डिनोमिनेटर से, इस डिनोमिनेटर से हम माइनस कॉमन लेंगे, यहां से जब हम माइनस बाहर लेंगे तो ये इस तरह से आएगा माइनस टाइम्स लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू फोर। ठीक है, तो फोर माइनस एक्स यहां पर भी आएगा हमारे पास फोर माइनस एक्स, क्योंकि ये माइनस फोर है प्लस हो जाएगा, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया और ये प्लस प्लस है तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। मल्टीपल में वन प्लस अंडर रूट ऑफ फाइव माइनस एक्स होल डिवाइड बाय थ्री प्लस अंडर रूट ऑफ फाइव प्लस एक्स। अब देखो आप फोर माइनस एक्स से फोर माइनस एक्स कैंसिल, हमारे पास सिर्फ ये बचा, तो अब हम लिख सकते हैं माइनस लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू फोर, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू फोर वन प्लस अंडर रूट ऑफ फाइव माइनस एक्स, फाइव माइनस एक्स होल डिवाइड बाय थ्री प्लस अंडर रूट ऑफ फाइव प्लस एक्स। देखो यार, जिससे ये नॉट डिफाइनेड हो रहा था वो चीज तो कैंसल आउट हो गया, नो आप लिमिटस ले सकते हो, नो टेकिंग लिमिटस, टेकिंग टेकिंग लिमिटस, अब आप लिमिटस जब लोगे, ये लिमिटस जब हम लेते हैं तो उसके बाद हम ये चीज नहीं लिखते हैं लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू फोर, हम यहां पर माइनस बचा तो माइनस साइन लिखेंगे, वन वन ही आएगा, प्लस अंडर रूट ऑफ फाइव, फाइव माइनस फोर, फाइव माइनस फोर हो गया वन, तो अंडर रूट ऑफ वन तो वन ही आएगा होल डिवाइड बाय थ्री, होल डिवाइड बाय थ्री प्लस फाइव प्लस फोर कितना हुआ नाइन, फाइव प्लस फोर यहां पर एक्स की जगह फोर आएगा तो फाइव प्लस फोर नाइन, अंडर रूट ऑफ नाइन कितना हुआ थ्री, तो ये बचा हमारे पास एक तो ये माइनस टू डिवाइड बाय सिक्स, माइनस टू डिवाइड बाय सिक्स तो वो हमारे पास आ जाएगा माइनस वन डिवाइड बाय थ्री, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर।
तो अब ये हमारा आखिरी इसमें था रैशनलाइजेशन मेथड। तो इसके बाद हम देखेंगे डी हॉस्पिटल रूल और कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज लिमिट्स के। आई होप यू आर गेटिंग इट। एंजॉय दीज लेक्चर्स। स्टे ब्लेस्ड। ओके।